नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोड़ा भाट पंजीयन क्रमांक 1048 के प्रभारी संस्था प्रबंधक राजा राम यादव ने सत्र 2018-19 में 25 एकड़ फर्जी पंजीयन कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। साथ ही एक ही खसरा नंबर और रकबा नंबर में दो व्यक्तियों के नाम से गणेश कुमार पिता चंद्रभान टंडन के नाम पर 25 एकड़ और किशोर टंडन पिता चंद्रमान टंडन के नाम से 25 एकड़ फर्जी पंजीयन किया गया, जबकि दोनों का खसरा नंबर एवं रकबा एक ही है। पंजीकृत रकबा में प्रभारी संस्था प्रबंधक राजा राम यादव द्वारा स्वयं धान विक्रय किया गया। शिकायतकर्ता सनंत यादव ने बताया कि समिति के फर्जीवाड़ा करने वाले प्रभारी संस्था प्रबंधक राजा राम यादव पर जांच करा कर उचित कार्रवाई कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं सनत कुमार यादव, ग्राम भुईगांव। क्या शिकायत किया? 25 एकड़ जमीन को दो व्यक्ति के नाम से पंजीयन किया गया है, राजा राम यादव प्रभारी संस्था प्रबंधक कोड़ाभाट के द्वारा। उसके नाम पर मैं कलेक्टर महोदय के पास शिकायत किया हूँ, जिसमें जांच कर दोषी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। अभी तक क्या स्थिति? अभी तक शिकायत किया हूँ जिसका जांच लंबित है। एक ही जमीन को दोनों लोग नाम में किया गया? हाँ, एक ही जमीन को दो लोग के नाम से किया गया है और उस पर धान भी बिक्री हुआ है। 25 एकड़ 51 डिसमिल था, तो 25 एकड़ दो व्यक्ति के नाम से हुआ है, गणेश पिता चंद्रभान, किशोर पिता चंद्रभान। कौन से धान मंडी करता है? कोड़ाभाट सेवा सहकारी समिति। किसके द्वारा किया गया? राजाराम यादव प्रभारी संस्था प्रबंधक।